नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4, 5 और 6 मई के आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यश में बर्थडे है या एनिवर्सरी है, आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसे रहेंगे, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का आपके राशि पर कौन सा असर पड़ने वाला है, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दोस्तों इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थितियां और धन की स्थिति को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय भी हैं जिन्हें आप करके जीवन में और भी ज्यादा खुशियों को एकत्रित कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के रुके हुए कार्य भी बनने लगेंगे, आप लोगों के जीवन में खुशियां आने लगेंगी, आप लोगों के सारे रुके हुए कामकाज पूरे होने वाले हैं, आप लोगों को अपने पुराने जिम्मेदारी को निर्वाह करने की जरूरत रहेंगे, किसी भी कामकाजों को अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ साथ कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि करियर भी आपको उपान पर रहेगा, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति के योग बन रहे हैं, जीवन में अपार सफलताओं को प्राप्त करेंगे, आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले मजबूत बनी रहेंगी, पारिवारिक जीवन में खुशहाली बने रहेंगे, धन लाभ भी आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा अच्छा करने वाला है, नौकरी पेशा वाले लोगों के इनकम में बढ़ोतरी होंगे, बिजनेस करने वालों को बहुत ही बड़ा फायदा भी प्राप्त होने वाला है। तथा कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि कोर्ट कचहरी के काम में आपको सफलता की प्राप्ति होंगे, आप लोगों के सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे, आप अपने विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की कला विकसित कर सकते हैं, आप कई प्रकार के निर्णय भी आसानी से ले सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ लीडर के रूप में कार्य कर सकते हैं, दूसरों पर भी विश्वास बनाए रखने की कोशिश करें, इसके साथ साथ अपने आप पर विश्वास बनाए रखने की कोशिश करें, खुद पर निर्भर रहें, सारी रुकावटों के बावजूद सही चयन कर सकोगे, वक्त आ गया है जब आप अपने हार को हरा कर सफल बनने के जीवन में उम्मीद की सायों में लगे रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको बहानों को छोड़कर जीवन में लक्ष्य की ओर कदम को बढ़ाने की जरूरत होंगे, जिम्मेदारी से भागे नहीं बल्कि जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें और राजा की तरह जिम्मेदार बने ताकि लोग आपका सम्मान कर सकें, आप लोगों के सारे बिगड़े हुए कार्य भी पूरे हो सकें। इसी के साथ साथ कुंभ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके बैठके हुए कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे होने लगेंगे। मित्रों, आगे की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए गौर से सुने, आपको आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, आप अपने व्यक्तिगत भावनाओं और गोपनीयताओं को बनाए रखने के लिए और अपने प्रियतम को सही दिशा में प्यार बांटने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बढ़ेंगे, आप अपने प्रियजनों से कोई ऐसी खबर भी प्राप्त कर सकोगे जिनके लिए आप काफी ज्यादा परेशान थे। माता दुर्गा की कृपा से आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है, आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल कर सकते हैं, माता दुर्गा की कृपा से मित्रों आपके जीवन में आपको सुनवरे और अनोखे परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है, जिनके कारण आप अपने जीवन में काफी बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं, आप लोगों को पहले की अपेक्षा काफी खुशखबरी हासिल होंगी, शनिदेव की कृपा से आप लोगों की सभी मुरादें पूरी होंगी, रुके हुए पैसे को भी पाने का कोई नया प्लान बना सकते हैं और नया दिमाग लगा सकते हैं, कारोबारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, भाई बहनों का सानिध्य मिल सकता है, प्रेमिका या पार्टनर से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, आपके सच्ची मोहब्बत को बढ़ावा मिलेगा, बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है, आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकोगे और अधिक से अधिक कार्य को सही समय पर कर सकते हैं, ऑफिस और बिजनेस में भी आपको बहुत सारी चुनौतियां मिल सकती हैं, समाज में आपके मान सम्मान में काफी बढ़ोतरी होंगी, कार्य क्षेत्र में जोश के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, आय में बढ़ोतरी हो सकती है,
आपके सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके हर कार्य में सफलता से नई उमंग मिल सकते हैं और किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सामाजिक कार्य में आपका मन खूब लगेगा। आर्थिक क्षेत्रों में तरक्की हासिल होंगी। आप अपने कार्य को आसानी से करते हुए समाज में अपनी एक अलग छवि, अलग तरीके से पहचान को बनाने में कामयाब होने वाले हैं। व्यापार में आपको अधिक धन लाभ हो सकता है। आपका रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। संतान को सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। आपको सच्चे प्यार की प्राप्ति हो सकती है। आपकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होने का संकेत नजर आ रहा है। आपकी सेहत और व्यापार में भी आपको कई प्रकार के सुधार देखे जा सकते हैं। आप किसी पुरानी बीमारी या पुरानी बातों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। प्यार के नए प्रस्ताव भी आपको अचानक से मिल सकते हैं। जितनी तेजी से गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे, उतनी ही तेजी से जीवन में सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने सारी की सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। लगातार कार्य क्षेत्र के अलावा समाज में भी आप अपने जीवन में काफी बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आपके जीवन की जो भी परेशानियां चल रही हैं वह खत्म हो सकती हैं। सामाजिक कार्य और राजनीतिक के कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होंगी। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता हासिल होंगी। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होंगे। तेजी से प्रगति करते हुए समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा किए गए लिए गए फैसले भी फायदेमंद साबित होंगे। मित्रों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिल सकता है। आप अपने व्यापार में अच्छा सा लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको लाभ के बहुत अच्छे अवसर भी हाथ लग सकते हैं। आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा प्राप्त होंगे। आप अपनी किस्मत के बलबूते अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक विवादों से बचकर रहने की आवश्यकता है। कानूनी मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है। अपनों के प्रति आप कुछ नया करने का प्रयत्न कर सकते हैं। व्यापार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सकता है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका गुस्सा आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। आप तेजी से प्रगति करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी के क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय सबसे अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको अचानक बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने की संभावना बन रही है। तो आप लोगों के जीवन में विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा अचानक से होने वाली है और आप लोगों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय शुभ रहने वाला है। आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना हो सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपकी सेहत काफी अच्छी होंगी। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियां बनी रह सकती हैं। आप अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू सुख सुविधाओं में इजाफा हो सकता है। आपकी सेहत में सुधार आएगा। घर परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन के आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कानूनी मामले में आपको फायदा मिल सकता है। आप अपने जीवन में काफी बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी आपको लाभ हो सकता है। गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से घर परिवार में आपके खुशियां आएंगी। किसी काम से आपको यात्राओं को करना पड़ सकता है जो आप